नमस्कार, मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अब तो ड्रोन हमले भी शुरू हो चुके हैं। घाटी में पाकिस्तान की नापाक चाल लगातार जारी है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि घाटी में किस प्रकार से पाकिस्तान अपनी नापाक चाल को अंजाम दे रहा है। बता दें आपको कि इस समय घाटी में ड्रोन हमले हो रहे हैं लगातार। कभी दो ड्रोन, कभी तीन ड्रोन, कभी चार पाँच दस ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी खबर तो यह है कि इस समय पाकिस्तानी सीमा पर 300 ड्रोन देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का नाम आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI ने इस काम के लिए किसी आतंकवादी संगठन की मदद ली है। जम्मू में बुधवार को भी ड्रोन देखे गए हैं, एक लंबी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी इलाके में ड्रोन उड़ता नजर आ रहा है। NIA समेत विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ड्रोन से गिराई गई विस्फोटक सामग्री RDX केमिकल तो नहीं? हमले की जाँच का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय NIA को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक NIA इस हमले की हर एंगल से जांच करेगी। उधर NIA ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी है। NIA के अलावा कई और एजेंसी भी जांच में जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ड्रोन से गिराई गई विस्फोटक सामग्री RDX और कई और तरह के केमिकल हो सकते हैं। विस्फोटक में क्या क्या था वैसे इसकी जाँच करने के बाद की सही तस्वीर सामने आएगी। एजेंसियां चारों ओर लगे CCTV कैमरे की जांच कर रही हैं ताकि पता चल सके कि ड्रोन कहां से आए थे। जम्मू में ड्रोन्स दिखने का सिलसिला जारी है। बुधवार सुबह कालूचक और कुंजवानी इलाके में 2 ड्रोन देखे गए, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। कुंजवानी में सोमवार रात भी ड्रोन उड़ते देखा गया था। जम्मू के सैन्य क्षेत्र में मंगलवार को ड्रोन देखे गए थे। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में ISI का हाथ। जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले में ISI का हाथ होने की खबर है। TV रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार ISI ने इस हमले में किसी आतंकी संगठन की मदद नहीं ली है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि इस बात की पूरी संभावना है कि ड्रोन सीमा पार से उड़कर आए हों और अपने काम को अंजाम देने के बाद लौट गए हों। सिंह ने कहा कि हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं और हमें जो भी जानकारी मिलती है उसे अन्य सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराएंगे। पुलिस ने जम्मू और पड़ोस के इलाकों में सिलसिलेवार छापे मारे लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं जुटा पाई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी संगठनों से नए खतरे के बारे में अवगत करा दिया है। सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सिंह ने कहा है कि जनता को जम्मू कश्मीर में ड्रोनों का अनाधिकृत इस्तेमाल नहीं करने के संबंध में आम चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसा होने पर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उधर बिहार नेपाल बॉर्डर पर भी ड्रोन देखने की खबर आ रही है। बिहार नेपाल बॉर्डर पर सोमवार के शाम 8 ड्रोन मिलने से सनसनी फैल गई। SSB के जवानों ने सोमवार की शाम को पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल सीमा पर एक कार से 8 ड्रोन और इतने ही कैमरे जब्त किए। SSB ने इस दौरान ड्रोन ले जा रहे कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये सभी ड्रोन और कैमरे 8 डिब्बों में पैक किए गए थे। नेपाल सीमा पर ग्वाबारी सीमा चौकी पर तैनात 20 बटालियन के SSB सब इंस्पेक्टर दयानंद कुशवाहा ने कहा कि वो बाकी SSB सुरक्षा बलों के साथ कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के तहत गुरहेनवा ढाका रोड पर वाहन चेकिंग में लगे हुए थे। उसी दौरान बिहार के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार को इंटरसेप्ट किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए कुंडवा चैनपुर पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। संदिग्ध रिमोट कंट्रोल अखबारों का बंडल निकला। सेना के सतर्क जवानों ने रत्नचुक कालूचुक स्टेशन के ऊपर उड़ रहे 2 ड्रोन पर रविवार और सोमवार की रात को गोलीबारी कर सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले की एक कोशिश को नाकाम कर दिया था। अधिकारियों ने जाँच की और सुरक्षा एजेंसियों को बताया कि वह एक कार सड़क पर रक्षा प्रतिष्ठान के साथ बहुत धीमी गति से गुजरती देखी गई। सुरक्षा बलों ने विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार के पास रिमोट कंट्रोल जैसा कुछ होने के बारे में सोचा था,
यह सब सोमवार की रात लगभग 2:40 पर हुआ, जब दूसरा ड्रोन देखा गया। सैन्य स्टेशन जम्मू को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। सुरक्षा एजेंसियां ने बाद में सीसीटीवी फुटेज से कार के साथ साथ बाइक के मालिकों की पहचान की। सूत्रों ने बताया कि जो व्यक्ति कार चला रहा था वह स्थानीय भाषा के अखबार का वितरक निकला, जबकि बाइक मालिक उसी अखबार का विक्रेता था और रिमोट कंट्रोल अखबारों का एक बंडल निकला जो दूरदराज के गांवों में वितरण के लिए था। कश्मीर में प्रमुख केंद्रों के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। बता दें आपको कि पूरे कश्मीर में ड्रोन हमलों की आशंका के बीच प्रमुख केंद्रों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने सोमवार के चिनार कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के नेतृत्व में एक बैठक हुई। प्रमुख केंद्र और नियंत्रण रेखा के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन हमलों की आशंका के बीच सुरक्षा बल के कदमों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कल से एक दिन पहले सेना सीआरपीएफ बीएसएफ वायुसेना और एनएसजी सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई थी। हमने तैयारी की है, यह एक गंभीर खतरा है जिसे तकनीकी रूप से निपटा जाएगा। क्या भारत के सामने नया खतरा पैदा हुआ है? एक्सपर्ट का कहना है कि ड्रोन के तौर पर भारत के सामने एक नया सुरक्षा खतरा पैदा हुआ है। इसके जरिए सीमा पार बैठे आतंकवादी भारत में महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ऐसा पहली बार है जब भारत में किसी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए आतंकी संगठनों की ओर से टारगेट किए जाने की कोशिशों के मुद्दे को भारत में ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है। जम्मू स्टेशन पर रात शनिवार रात क्या हुआ था? आपको बता दें कि जम्मू में भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर शनिवार देर रात दो ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए जिसमें दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की ओर से देश में किसी ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन पर ड्रोन से किया गया यह पहला हमला है। ड्रोन से गिराए गए विस्फोटक का पहला विस्फोट शनिवार रात करीब 1:40 के आसपास हुआ, जबकि दूसरा विस्फोटक करीब 6 मिनट बाद हुआ और पूरा देश सन्न इसलिए रह गया क्योंकि ये ड्रोन हमला दरअसल देश के आने वाले खतरे को आगाह करता है कि क्या अब लड़ाई ड्रोन हमले के जरिए होगी, क्या अब लड़ाई ड्रोन से होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान और आतंकवादी दोनों मिलकर इस नई लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं, नए हमले को अंजाम दे रहे हैं जिसका नाम है ड्रोन। अब ड्रोन के बदले हिंदुस्तान को अपने राफेल को भेजना चाहिए, ड्रोन के बदले मिराज को भेजना चाहिए, ड्रोन के बदले MiG-21 को भेजना चाहिए, ड्रोन के बदले सुखोई को भेजना चाहिए, और तब भी ना माने तो फिर उसके बाद हमारे पास ऐसी मिसाइल है जिससे पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि बाप से पंगा लेना उसके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास, माफ़ी मांग ले, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, भारत माफ़ कर देगा, वरना भारत तो इस ड्रोन हमले की बदले की तैयारी कर रहा है और बदला बहुत जल्द दिया जाएगा। वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत अनुरोध करते हैं खबर शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।